हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सेविंग प्लान्स। तो व्यूअर्स, देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक एंड आपको पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ए टू जेड, और स्टेयरकेस कैसे लिया जा रहा है इसका फुल प्लेलिस्ट मैं दिखाऊंगा, और इसका टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, एंड प्लिंथ बीम का साइज, प्लिंथ बीम का लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हाइट पे आया है वो डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को देखिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइफ इज़ ऑसम सेविंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन, एंड कीप सपोर्ट मी टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड कॉलम के अंदर कितना mm का रॉड यूज़ किया गया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो प्लिंथ बीम का हाइट अराउंड 5 फीट तो लेना चाहिए कंपलसरी, हाइट ऑफ द 5 फीट प्लस 9 इंच। एंड यहाँ पे मेन एंट्रेंस पार्किंग एरिया, और जो आप देख रहे हैं ये बेसमेंट देखिएगा, इसमें थोड़ा सा स्लोप है जगह, उसकी वजह से इस तरह से आया है। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 पत्थर का हाइट लिया गया, उसके बाद जो है 9 इंच का प्लिंथ बीम लिया गया है। ओके, लगभग 9 इंच, अराउंड 9 इंच तक प्लिंथ बीम आया है। एंड कॉलम के अंदर जो रॉड इस्तेमाल किया गया वो है JSW ब्रांड का। JSW ब्रांड एक अच्छा क्वालिटी, एक रेप्यूटेड ब्रांड है, ऑलमोस्ट जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर और रॉड जो 16 mm का रॉड, 4 1 2 3 4 एंड 12 mm का दो रॉड लिया गया। ओके, एंड और प्लिंथ बीम के अंदर 8 mm का 6 mm का रॉड यूज़ किया गया, 6 mm, और उसके बाद नेक्स्ट एंड रॉड देख सकते हैं 1 2 3 4 16 mm, 1 2 3 4 एंड 12 mm का दो, एंड यहाँ से एंटर हो गए हम घर के अंदर। प्लिंथ बीम पूरा फुल कंप्लीट बेड ले गया, एंड लेट अस एंटर इनटू द हाउस। ये हॉल, बड़ा सा हॉल, लगभग आपको 12 फीट बाय 17 फीट तक मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो है किचन कम बाथरूम आ रहा है। ओके, तो सफिशेंट जगह है किचन को भी और बाथरूम को भी। वहाँ पे मास्टर बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम आ जाएगा और विद अटैच टॉयलेट एंड बाथ, इसके नीचे टॉयलेट एंड बाथ लिया जा सकता है। फिर यहाँ पे जो है स्टेयरकेस आपको, तो स्टेयरकेस को यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया जाएगा इन फ्यूचर में। ओके, तो अभी तक देखिएगा व्यूअर्स कॉस्ट कितना आ चुका है उसके बारे में मैं बताऊँगा। लेट अस सी, तो व्यूवर्स ऐसा व्यू है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से देखे तो। एंड इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं बताऊँगा, प्लिंथ बीम हाइट तक कितना खर्चा हुआ है। तो व्यूवर्स देखिएगा, प्लिंथ बीम हाइट तक लगभग इतना वर्क हुआ है ना, 6 to 7 lakh रुपीज़ का खर्चा हुआ है, और जो बेसमेंट के अंदर जो मिट्टी भरेगा करीब 30 टिप्पर, 6 पहिया वाला 30 टिप्पर भरेगा।
30 टिप्पण मतलब आप यकीन मान सकते हैं उतना लगा है। ओके, तो 1600 रुपीज़ पर टिप्पर के हिसाब से उन्होंने डालते हैं मिट्टी इस तरह का, एंड लगभग आपको 15-20 लाख का, तो इसका घर का एस्टिमेशन जो प्रोजेक्ट है अराउंड 35 लाख रुपीज़ तो चाहिए चाहिए, डिपेंड करेगा क्वालिटी मटेरियल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर। अभी तक इतना बांधने में मटेरियल डंप करने में जो आपको इतना कॉस्ट लगा है लगभग 6-7 लाख रुपीज़ का खर्चा है। और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। कीप सपोर्ट अस टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव अ ग्रेट डे। धन्यवाद।